So, good morning everyone. We are about to start with another chapter in Max 2, that is Commission, Brokerage and Discount. A quite easy chapter related to your practical life. And one of the, as I told, the easiest chapter for you all to go ahead. It's divided into two parts, basically. First part deals with the commission, brokerage, and the second part is discounting. So in discounting, you are going to talk about a concept that is how you discount a bill, correct? Or discounting a bill, that is a true discount and so on, sum due and so on, related to your bit of simple interest, then bit of compound interest, then face value and so on. While in the first part, it's just that you are going to talk about the commission, what the person gets depending upon the principal. So there are various types of commissions we encounter with, but in your syllabus, they have restricted you to few. And depending on them, you have a few easy questions to solve. So let us start. What do we mean by a commission? Correct. Commission ka meaning kya hota hai? Wahan se hum begin karenge. So it starts from here. What do you mean by commission? So when transactions like sales, purchase or auction, we talk about, etc., are done through a middleman. Middleman means jisko aap agent kehte hain. The charges paid to an agent for doing such work on behalf of some other person is called as principal. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन करना चाहता है लेकिन वो खुद वहाँ पर ट्रांजेक्शन के दौरान नहीं पहुँच सकता तो वो अपना एक आदमी भेजेगा जो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा. तो जिस आदमी को भेजा उसे हम कहते हैं एजेंट और जिसने भेजा उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, करेक्ट? या जिसको आपने टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं कि वी सेंड अ पर्टिकुलर मिडिल मैन विच नोज बोथ द पार्टीज. सो अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज गोइंग टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन ऑन समवन एल्स बिहाफ. अब से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज वेरी वेरी रिच. से फॉर एग्जाम्पल लक्षता इज वेरी रिच. अगर उसका 100 rupees कहीं पर गिर गया तो वो अगर उसे उठाने जाएगी तो उसका 1000 rupees का नुकसान हो जाएगा, करेक्ट? सो सच रिच पीपल, करेक्ट, दे डोंट गो देमसेल्फ फॉर द ट्रांजेक्शन, राइट? तो लक्षता क्या करेगी? उनका कोई एक भरोसेमंद पर्सन जो ये डील्स वगैरह करवा के देता है वो उनको भेजेगी. तो जिस पर्सन को उन्होंने भेजा फॉर कंप्लीशन ऑफ द डील विल बी कॉल्ड एज एन एजेंट एंड लक्षता विल बी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल, ओके? So it's given principal refers to an individual or party or parties participating in a transaction. Now, what do we mean by a commission? The charges paid to an agent for doing work on behalf of principal is called as commission. The commission or the remuneration paid to an agent is generally fixed as some percentage of the value of the transaction. Jaise ki example diya hai. एक एजेंट है वो चार्ज करता है 5% कमीशन ऑन द सेल्स. तो अगर 15,000 का सेल्स हुआ है तो 5% उसको मिलेगा. तो 15,000 का 10% होता है 1500, तो 5% हो जाएगा 750, सिंपल. लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत अलग अलग एजेंट्स भी होते हैं. जैसे कि हम यहाँ की बात करें जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ये वाले एजेंट्स भी होते हैं जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है. तो उनको कमीशन जो है फिर दोनों साइड से मिलता है. दे गेट द कमीशन फ्रॉम बोथ दी साइड्स, करेक्ट? सो आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जैसे कि देयर इज ए पर्सन ए, करेक्ट, जिनकी से 10 lakhs की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उनको सेल आउट करनी है. और से देयर इज पर्सन बी जिसको ये प्रॉपर्टी बाय करनी है.
ठीक है, और इन दिनों के बीच में आएगा कोई एक एजेंट, एजेंट की कमीशन जो है वो फिक्स है, से फॉर एग्जाम्पल 2%। तो ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो ये 2% दोनों से ही चार्ज करेंगे, करेक्ट। जैसे द प्लेस वी वेयर लिव, प्रॉपर्टी एजेंट्स जो होते हैं, करेक्ट, दे वर्क ऑन दिस सिमिलर स्ट्रेटजी। सो इफ आई हैव द प्रॉपर्टी ऑफ 10 लैक्स, देन इन दैट पर्टिकुलर 10 लैक्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो खरीद रहा है उसे पूरे 10 लाख तो भरने ही पड़ेंगे, करेक्ट, प्लस उसे 2% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। किसको? एजेंट को। तो 10 लाख का 2% कितना होगा? 10% होगा 1 लाख, करेक्ट, तो 2% हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसको एक्चुअल में प्रॉपर्टी कितनी पड़ी? 10 लाख प्लस 20,000, बट दिस 20,000 विल बी गिवन टू एन एजेंट, करेक्ट। अभी जिसने प्रॉपर्टी बेची उसे 10 लाख तो मिलेंगे, लेकिन इस 10 लाख में से भी उसको 20,000 जो है एजेंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने डील करवाई है, करेक्ट। तो एक्चुअल में जिसने बेचा उसको कितने पैसे मिले? 9,80,000। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इसको पर्सन को पैसे कितने मिलेंगे? 9,80,000, और इसे कितने में पड़ा? 10,20,000, करेक्ट। सो इवन दिस इज अ कॉन्सेप्ट, करेक्ट, वेयर अ पर्सन हेल्प्स यू आउट इन डूइंग अ काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन, से अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और यू ऑल्सो कॉल दैट एज एन एजेंट, कैन हेल्प यू आउट इन डूइंग सो। एंड फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब, लाइक ही इज हेल्पिंग अ पर्सन टू सेल अ प्रॉपर्टी एंड देर इज अनदर पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रॉपर्टी, सो ब्रिंगिंग देम टुगेदर एंड मेकिंग दैट ट्रांजेक्शन हैपन, सो टू डू दैट वर्क ही चार्जेस अ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन, एंड दैट पर्टिकुलर कमीशन इज गिवन टू द मिडिल मैन दैट इज कॉल्ड एज एन एजेंट, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाया विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस नाउ कंटिन्यू अहेड। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कमीशन एजेंट्स। सो नाउ वी शुड मूव अहेड विथ व्हाट डू वी मीन बाय कमीशन एजेंट। सो सी व्हाट इट्स गिवन दिस, एंड ए कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट्स कमीशन फॉर हिज सर्विसेस। सो इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर नाउ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, देयर इज ऑल्सो आई कैन से अ रिसोर्स पर्सन विच एक्ट्स बिटवीन से द सप्लायर एंड द पर्सन हु इज डिमांडिंग, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। देर आर ऑल्सो सर्टन एजेंट्स विच हेल्प यू आउट इन डूइंग द टास्क, एंड दैट अगेन चार्जेस कमीशंस टू यू। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सच पीपल विच आर फॉलिंग अंडर दीज वन और दी अदर कैटेगरीज, लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज ब्रोकर। सबसे पहला पहला है ब्रोकर। अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टूगेदर द बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल। द कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड इज चार्ज बाय बोथ द प्रॉपर्टीज, जिसका अभी अभी हमने कुछ समय पहले एग्जाम्पल कंसीडर किया। सो दैट इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज अ ब्रोकर। ठीक है, ऑक्शनर। ऑक्शनर मीन्स आपने आईपीएल देखा होगा, राइट? बॉयज को पता होगा, गर्ल्स को मालूम है आईपीएल अभी चालू है, करेक्ट। तो आईपीएल होने से पहले जो प्लेयर्स होते हैं उनका ऑक्शन होता है, जिनमें उनकी बिड वैल्यूज यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो दी गई रहती है। फिर आगे जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो प्लेयर मिलेगा, करेक्ट। आई स्टिल कैन फॉरगेट द वेरी फर्स्ट ऑक्शन ऑफ आईपीएल, इफ यू रिमेम्बर, एमएस धोनी। देयर वाज मुंबई एंड चेन्नई जो जिद पे अड़ गए थे कि हमें चाहिए तो धोनी ही चाहिए। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दैट, बट ऑक्शंस मीन्स वॉट? द पर्सन विल स्टार्ट बिडिंग, बेसिक बिड रहेगा। जैसे चिराग को बहुत अच्छे से पता होगा फुटबॉल, करेक्ट, जब भी कोई गेम खेलता है
वी स्टार्ट विद द मिनिमम वैल्यू एंड वी स्टार्ट विद बिडिंग. सो द पर्सन विद द हाईएस्ट बिड गेट्स दैट पर्टिकुलर प्लेयर. करेक्ट. सिमिलरली इधर सिर्फ चेंज ये आता है कि यहाँ पर गुड्स आते हैं या यहाँ पर कोई से प्रॉपर्टी आ सकती है ऑक्शन के लिए. जैसे कि अभी रिसेंट अपडेट में आपको दूं तो पहली जो थार है उसका ऑक्शन किया गया था जो 1.11 सीआर में बिक गई एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट वाज बीन डोनेटेड टू समवन. राइट. सो सच पीपल, जैसे सचिन का बैट हो गया, ऑक्शन पे रखा था. राइट. सो दीज आर सर्टन थिंग्स और व्हाट हैपेंस इज फ्यू पीपल कम टुगेदर एट वन प्लेस. We have a lowest bid, and then that particular lowest bid onwards, people will start bidding, and the person with the highest bid will get that particular good. Okay, that is called as an auction or an auctioneer. So, an auctioneer is an agent who sells goods by auction. He sells bid goods to the highest bidder. Many a times. Name of the principal is not disclosed in the transaction. As I told, like if there are certain few high profile or HNI clients, then those particular people may not reveal their name and then they buy the product or a good. So that is called as auctioneer. So हमने दो चीजें सीखी. एक हमने सीखी brokerage, दूसरी हमने सीखी auctioneer. Brokerage जो है वो दो लोगों को मिले, मतलब एक person है उसे दोनों जगहों से ब्रोकरेज मिलेगी, और दूसरा है ऑक्शनर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड करेगा उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा. एनी डाउट्स टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? Okay, so now we can move ahead with the next one, that is factor. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sales in his or her own name. Correct. ये जो आप ज्यादातर देखेंगे आप उन goods में देखेंगे जो cargoes वगैरह से आते हैं. Correct. आपको पता होगा there are concepts of imports and exports also. तो ये जो special type के agents होते हैं ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे goods जो हैं अपने under में ले लेते हैं, और under में लेते ही वो एक contract में enter करते हैं कि वो इस particular नाम से goods को बेचेंगे. मतलब सोचो कि जब भी पहला cargo आता है after the rainy season of the fisheries department, so it goes as an auction. And that has been given the highest bid. So the person who is going with the highest bid, what he can do is he can have a talk with the middle person, that is a factor. He will take the entire possession of the goods. Correct. तो उससे क्या हो गया, fishery department को उसका पैसा मिल गया. अब ये सामने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो पैसा उसने दिया है करेक्ट fishery department को, अब उसमें से वो कितना कमाता है, that is his lookout. Means he is as good as what? A person who is going to act like a middleman between the fisheries department and to the people who is going to sell this particular good. So such people are called as the factor. Now delcredery agents are something, I personally feel they are danger type of a people. Correct. वो थोड़े danger type के people होते हैं. जैसे कि आपको पता होगा पहले कैसे होता था कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक के लोग आते थे, थोड़े डेंजर टाइप के लोग आते थे जो वसूली वगैरह करते थे. करेक्ट. तो वैसे ही कुछ आपका डेलक्रीडरी एजेंट होता है. मतलब सोचिए कि अगर आपको बैंक से, लेट मी टेक इट अ बिट फनी काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल. सोचो अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, आपको पैसे की जरूरत है. करेक्ट. तो आप किसी द बिगेस्ट बुली इन द सिटी उसके पास जाएंगे. सो व्हेन आई से द बिगेस्ट बुली पर्सन मींस द बिग जैम ऑफ योर सिटी हु गिव्स यू मनी ऑन कैश. करेक्ट. तो क्या होगा कि आप उससे पैसे लेंगे बट सिंस देर इज नो गारंटी ऑफ योर्स, सो वो किसको बुलाएंगे, वो एक ऐसे डेंजर पर्सन को बुलाएंगे जैसे भाई लोग वगैरह होते हैं ना, उनको बुलाएंगे. And then that particular bhai is going to take
योर गारंटी, यानी कि अगर कल आप पैसे नहीं भर पाए उस बिग पर्सन को, तो ये जो पर्सन है आपका जो भाई है वो पैसे जो है वसूल करके उनको देगा। करेक्ट। सो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपके डेल क्रेडरी एजेंट का। करेक्ट। मतलब ऐसे लोग जो मिडिल में पड़ते हैं एज अ गारंटी। करेक्ट। जो आपको पैसे लेके देंगे और अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले को पैसे जो है आपसे निकलवार के भी देंगे। करेक्ट। तो इनको थोड़ा कमीशन जो है थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि बात गारंटी वगैरह की आ जाती है, इसीलिए। तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज डेल क्रीडरी एजेंट्स। सो व्हाट इज गिवन इज अ डेल क्रीडरी एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू होम ही और शी सेल्स द गुड्स विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड। इफ अ बायर इज अनेबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट द डेल क्रीडरी एजेंट इज लायबल फॉर द पेमेंट। करेक्ट। एडिशनल एजेंट गेट्स एडिशनल कमीशन अदर देन द यूजुअल फॉर दिस एंड दैट इज द रीजन यू कॉल इट एज ए डेल क्रीडरी कमीशन। करेक्ट। लाइक गारंटी वाले लोग, आपको पता होगा लाइक आई इंटरेक्ट विथ माई डैड अ लॉट, सो ही यूज टू से मी अर्लियर देयर यूज टू बी कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वीसी और हुंडी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट वेयर देयर इज अ फिनेंस गाय, एन एडुकेटेड गाय हु एक्ट्स एज अ मिडिल पर्सन हु टेक्स द मनी फ्रॉम यू। करेक्ट। ऑन सम फिक्स्ड परसेंटेज एंड ही गिव्स टू से सम अनदर पर्सन फॉर यूजिंग दैट मनी। सो यू आर गेटिंग योर इंटरेस्ट एंड थ्रू दिस मिडिल मैन द मनी इज बीन प्रोवाइडेड टू से द पार्टी और टू द पर्सन। सो टुमारो इफ द पर्सन डजन पेज देन इट इज द जॉब ऑफ दिस डेल क्रेडरी एजेंट टू गेट दैट मनी फ्रॉम हिम एंड गिवन टू द कंसर्न पार्टी। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इफ एट ऑल द वर्स्ट सिचुएशन अराइव्स देन प्रोबेबली द एजेंट मे ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु एक्ट एज अ मिडिल मैन। करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड एज योर डेल क्रीडरी एजेंट। सो चार चीजें थी कि हमने ब्रोकरेज, करेक्ट, फिर हमने देखा ऑक्शनर, फिर हमने देखा फैक्टर और फिर हमने देखा डेल क्रीडरी एजेंट। एनी डाउट्स टू एनी वन इन दीज फोर? सो नो डाउट्स। सो नाउ वी कैन मूव अहेड विथ द एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द एक्सरसाइज। एन एजेंट, ओके, फर्स्ट यू ऑल रीड द क्वेश्चन, पहले आप लोग रीड कीजिए। वी आर अबाउट टू डील विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई थिंक सभी ने रीड कर लिया होगा। लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन नंबर वन। क्या दिया है उन्होंने? एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। ओके, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट्स टू 48,000 एंड देन व्हाट डज द सेलर गेट? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। एजेंट को 12% कमीशन मिलता है ऑन 48,000। ठीक है, तो एजेंट का कमीशन पहले हम निकाल लेंगे। एजेंट्स कमीशन, ठीक है, उन्होंने खुद नहीं बोला, इट इज 12% ऑन 48,000। सो दैट इज गोइंग टू बी 12/100 of 48,000, 00 gets cancelled. So that turns out to be 5760. ठीक है, ये हो गया 12%। ये हुआ एजेंट का कमीशन। बोला व्हाट डज द सेलर गेट, तो सेलर को कितने में, सेलर को क्या मिलेगा? ठीक है,
तो लॉजिक सी बात है, सेलर को 48,000 में से पहले ये एजेंट कमीशन जो है वो देना पड़ेगा, जो बचेगा वो सेलर को मिलेगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, सेलर गेट्स, करेक्ट, जो भी आपका अमाउंट था, क्या बोला है उन्होंने, टोटल सेल अमाउंट्स, टोटल सेल अमाउंट माइनस एजेंट कमीशन, माइनस एजेंट कमीशन। सो बेसिकली 48,000 माइनस 5760, दैट विल टर्न आउट टू बी 42, फिर 40 ऐड करेंगे 800, 200, ओके, सो इट गोज टू बी 42,240, करेक्ट। रुपीज लिखना नहीं भूलिएगा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, सभी लोग रीड करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2। वंस इट्स डन अपडेट मी, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। आई होप इट इज डन। सो क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। ओके, 50,000 तक उसे 3% मिलता है एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000, यानी कि 50,000 से अगर ज्यादा हुआ तो उसे कितना मिलता है, 4% मिलता है। बोला है फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2 लाख। तो पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लिखने वगैरह का काम देखेंगे। देखो भाई, टोटल सेल्स जो हुआ है वो हुआ है 2 लाख का, ठीक है, लेकिन इस बंदे को 50,000 पे 3% तो मिलता ही मिलता है, 50,000 से ज्यादा, तो 2 लाख में से 50,000 तक तो इसे कितना मिलेगा, 3%, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से कितना मिलेगा, 4%। अब ये बोलता है टोटल कमीशन निकालो, तो 50,000 का 3%, 50,000 का अगर मैं 10% पकड़ूं तो हो जाएगा 5,000, मतलब 1% पकड़ूंगा तो हो जाएगा 500 रुपये, 500 रुपये 3 बार, तो ये मुझे मिलेगा 1,500 रुपये, ठीक है। एवरीबडी एग्रीज, 50,000 का 3% 1,500 आ गया, और फिर 1.5 लाख रुपए का 4%, तो 1.5 लाख रुपए का अगर मैं 10% ले लूं तो 15,000, मतलब 1% लूं तो 1,500, 1,500 इज 1%, तो 4% कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। तो हमें बोला है टोटल कमीशन, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सो आई एम गोइंग टू गेट द टोटल कमीशन एज 7500, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस रफ वर्क? मतलब ये रफ है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ऐसा लिखेंगे तो, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ वी नीड टू राइट। ये एक एक चीज जो है हमें स्पेसिफाई कर करके लिखनी पड़ेगी।
लेट अस कंटिन्यू विद दिस स्टेप बाय स्टेप. पहले तो हमें बोला है कमीशन 50,000 पेसो. वी विल से 3% कमीशन ऑन, नहीं अप टू, 3 कमीशन अप टू 50,000. दैट इज 3% ऑफ 50,000, दैट इज 3/100 ऑफ 50,000, दैट इज 1,500 रुपीज. ठीक है. फिर हमें बोला गया है 4% मिलेगा उसे 50,000 से ज्यादा. सो एजेंट गेट्स 4% ओवर 50,000. अगर सेल्स 50,000 से ऊपर हुए तो 4%. बट टोटल सेल्स कितने हुए हैं हमारे? बट टोटल सेल्स कितने हुए हैं? 2 लाख. देयरफोर करेक्ट, इसे 50,000 तक तो 3% मिल ही रहा था, अब इसे 4% कितने पे मिलेगा? देयरफोर एजेंट गेट्स 2 लाख माइनस 50,000 पे 4%. डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? यस और नो? 50,000 से ऊपर जो है उस पे उसको 4% मिलेगा ना, तो 50,000 तक तो उसे 3% मिल रहा था. ठीक है, 50,000 के ऊपर अभी टोटल हुआ है 2 लाख, 50,000 तक उसका फिक्स है. करेक्ट, तो इसका मतलब रिमेनिंग 1.5 लाख पे उसे मिलेगा 4%. सो दैट टर्न्स आउट टू बी 6,000. ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल कमीशन. सो टोटल कमीशन ऑफ दी एजेंट विल बी इक्वल टू 1,500 प्लस 6,000, दैट इज 7,500. भाई इधर रुपीस लिखिएगा, हम पैसों के साथ डील कर रहे हैं. सो रुपीस. ठीक है, एनी डाउट्स टू एनी वन इन सम नंबर 2? सो लेट अस गो एट फॉर नेक्स्ट सम, सम नंबर 3. सो हेयर इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस. मिस्टर मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर एट अ रेट ऑफ 12.5%. ओके, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 32,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? सो क्वाइट इजी फॉर अस टू गो अहेड. हमें एक कंप्यूटर की प्राइस जो है दी गई है. करेक्ट, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन नंबर 3. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 32,000. ओके, सो आई एम गोइंग टू फाइंड कमीशन ऑन वन कंप्यूटर. कमीशन ऑन वन कंप्यूटर sold at the price rupees 32,000. ठीक है, so that is going to be 32,000 into 12.5 by 100, that turns out to be 4,000. ठीक है, नाउ सरस्वती जी को मिले कितने हैं? 88,000. सो मैं कहूंगा मिस सरस्वती रिसीव्ड रुपीस 88,000 एज कमीशन
फॉर सेलिंग दी कंप्यूटर्स। ठीक है, अभी देखिए वैसे तो हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए लेकिन ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, हेंस आई एम यूजिंग बॉक्स। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अभी एक कंप्यूटर जो है उस पर इन्होंने 4,000 रुपये कमाए, मतलब कमीशन मिली, तो मुझे बताओ 88,000 पर कितनी होगी, 88,000 पर कितनी होगी एक्स। अरे एक्स, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या होगा 40,000, 4,000 इंटू एक्स इक्वल टू 88, 4,000 उधर चला जाएगा, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड व्हाट 88,000 बाय 4,000। करेक्ट, सो ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए लिखा ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से चीज़ों को दिमाग में डाला जाए। ऐसे आपने पहले भी इसे सॉल्व किया, इजी। सो देयरफॉर करेक्ट, द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय सरस्वती इज इक्वल टू 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 22। करेक्ट, सो दैट विल बी अवर आंसर। सो लिखने का, सरस्वती सोल्ड 22 कंप्यूटर्स फॉर विच शी वॉज पेड रुपीज 88,000 एज द कमीशन। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 3? So we'll stop here. See you all in the next lecture. Until that, stay home, stay safe. Thank you, everyone.